अस्सलाम वालेकुम हमारे सब व्यूअर्स को। ये देखिए, ये हमारे बाजू में जो घर अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहा है, इसमें विंडो लग गया है। ये देखिए, मेरे ख्याल से 8 अपार्टमेंट्स होगा, फिर उधर भी और भी है, तो मिलाकर अबाउट 20 अपार्टमेंट्स यहाँ पर बन रहा है। आज हम आपको अपने नैबा के बारे में थोड़ा बताते। वो जो घर दिख रहा है, वो पंजाब इंडिया के वहाँ पे रहते हैं इंसाने, और ये जो दिख रहा है यहाँ फिजी के हिंदुस्तानी रह रहे हैं। और दिखाती हूँ, और ये जो हमारा नेबर है ये गुजरात इंडिया के है, और ये जो स्विमिंग पूल वाला घर है इसमें रेंट करते हैं, किराएदार रह रहे। जिसका घर है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो रह रहे वो कोई इसी न्यूजीलैंड के है मेरे ख्याल से। और वो जो बिल्ली आती है, इन लोगों का बिल्ली है ये लोग, वो जो ऑरेंज वाला बिल्ली है ना, जो टाइगर की तरह दिखती है, ये लोग उसे ऑन करते हैं। ये देखिए, ये फूल कितना प्यारा माशाल्लाह से हो गया है। और इधर सब काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। पंजाबी में बात हो रहा है तो मुझे तो नहीं समझ में आ रही, शायद आप लोगों को समझ में आता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पौधों को देखिए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मौसम बहुत ही प्यारा है, अल्हम्दुलिल्लाह, सूरज निकला है, बट ठंड है। यहाँ विंटर का मौसम है, अभी ठंडी का मौसम है। आज हम बीन बनाने जा रहे हैं, ताज़े ताज़े बीन लाए हैं फार्म फ्रेश, इसे हम बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अभी विंटर का सीज़न है तो लाइम का भी सीज़न है, हमने शॉप से लाइम लाए हैं, तो इस लाइम को हम, आई थिंक इसे कादगी नब्बू कहते हैं, है ना माँ, कादगी नब्बू, ओह, तो इस नब्बू को हम अचार बनाएंगे इंशाल्लाह, तो इसको भी आपके साथ शेयर करेंगे किसी दिन। हमने बीन को काट कर धो दिया है, अब हम इसे जाके कढ़ाई में बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारा प्याज और ऑयल में चढ़ा दिया है। हमारा सालन तैयार होने वाला है, हम इसमें हल्दी मसाला छोड़कर बनाएंगे। हल्दी तुम्हारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हो सके तो इसे रोज़ खाए, किसी भी तरह से, दूध में भी डालकर पी सकते हैं, खाना में डालकर खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा ग्रीन वाला बीन अब हो रहा है तैयार, हम इसको रोटी के साथ इंशाल्लाह खाएंगे। आप भी आइए हमारे साथ लंच पर। ये देखिए, माशाल्लाह, हमारा बीन बस तैयार होने वाला है। इसमें हमने टमाटर भी छोड़ा है, टमाटर के साथ बहुत ही लजीज हो जाता है बीन। और इधर देखते हैं हम नींबू को पानी में डालकर उबाल रहे हैं, हम इसका अचार बनाएंगे, कादगी नब्बू, लाइम हम कहते हैं, इसका अभी हम अचार बनाएंगे, तो इसको भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, हमारा ये देखिए, हमारा बीन बन गया है। पानी बॉयल हो रहा है, आटा तैयार हो गया है, अब हम इसे रोटी बनाएंगे। हमारा रोटी तैयार हो गया, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। अब हम जा रहे हैं लंच करने, आइए आप भी हमारे साथ खाइए। हमने कादगी नब्बू को छोटे 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 पीसेस में कर दिए हैं, और मसाला भी इसमें रखे हैं। अभी इन सबको मिक्स करेंगे ओलिव ऑयल के साथ, हम कादगी नब्बू को अचार बना रहे हैं। ये देखिए, हम मिक्स कर रहे हैं मसाला और
ऑयल में। विंटर के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, ये आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको फ्लू वगैरह से बचाएगा इंशाल्लाह। अब हम इसको अपने जग में रख देंगे ताकि हम इसको किसी भी सब्ज़ी वगैरह के साथ खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने दुआ अपने फ्रिज पे लगाए हैं, इसे जब मौका मिले तो पढ़ लिया करते हैं। आप भी ऐसा कुछ दुआ अपने फ्रिज में या तो अपने दुआ वगैरह में लगा लें और इसे पढ़ा करें। मैं आपको पहला वाला दुआ पढ़ के सुनाती हूँ। यह सूरा बकरा का दुआ है, बहुत ही प्यारा दुआ है। रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्तअना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलताहु अला अल्लदीना कबलीना, रब्बना वला तू हामिलना माल तक्का तल्लना बीही, वाफुअन्ना वफिल्लना वरहमना अंता मौलाना फ़ अंसुन्ना अला अल कौमी अल काफिरीन।